सदका सत्र 18 जुलाई से 12 अगस्त तक यह सत्र चलेगा। इस सत्र के अंदर कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी, संवाद होगा। मैंने सभी दलों से आग्रह किया है संसद का सत्र सुचारू रूप से चले, संसद चर्चा संवाद का केंद्र बने, लोगों की अपेक्षाएं आकांक्षाएं पूरी हो, इसके लिए मैंने सभी दलों के नेताओं से आग्रह किया। मुझे आशा है संसद का सत्र सुचारू रूप से चलेगा और इस संसद के माध्यम से जो हमारा लोकतंत्र का मंदिर है वहाँ लोगों की अपेक्षाएं आकांक्षाएं पूरी करेगी। नए संसद भवन का कार्य चल रहा है, बहुत तेजी से काम चल रहा है। हमारी कोशिश है कि शीतकालीन सत्र जो चले वो नए संसद भवन में चले, ऐसा प्रयास है। मुझे लगता है कि जिस तेजी से काम चल रहा है, जो हमने टाइम लाइन तय की थी उसके अनुसार काम चल रहा है, मुझे लगता है कि अगला शीतकालीन सत्र नए संसद भवन में होगा, जो देश की जनता की आकांक्षा और अपेक्षाओं का मंदिर होगा। सर, आपके कार्यकाल को कितनी उपलब्धि मानते हैं संसद भवन? संसद के अंदर हमने कोशिश की कि चर्चा संवाद का केंद्र बने और इसलिए इस 8 सत्र के अंदर 106% से ज़्यादा उत्पादन हुआ। कई विधेयकों पर चर्चा हुई, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, प्रश्नकाल के अंदर भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सदन पर के पटल पर ज़्यादा प्रश्नों को लाया गया। शून्यकाल उत्तरी सेवन से उन्होंने सभी मुद्दों पर व्यापक चर्चा संवाद की। मुझे आशा है ये लोकतंत्र की संस्थाएं और बेहतर तरीके से काम करें ताकि हम शासन से जवाब दें और प्रशासन में पारदर्शिता ला सकें।